हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर रेशमा एंड वेलकम टू द माय चैनल एजुकेशन एंड द बायोलॉजी। आज का टॉपिक है एटीपी। ग्रेजुएशन में एटीपी पे शॉर्ट नोट आता है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। एटीपी क्या होता है? ठीक है, एटीपी जो है वो हाई एनर्जी बॉन्डेड कंपाउंड होता है। ठीक है, और हमारे पूरे बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो किस रूप में हमें मिलता है? वो एटीपी के रूप में मिलता है। ठीक है, एटीपी शॉर्ट फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का ये शॉर्ट फॉर्म होता है। ठीक है, अब एटीपी के जो केमिस्ट्री पे वर्कआउट किया था वो फ्रिट्ज ए लिपमैन ने वर्कआउट किया था, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया 1953 में। ठीक है, अब ये क्या होता है? हाई एनर्जी बॉन्डेड कंपाउंड होता है और केमिकली कंपोज्ड होता है किससे? नाइट्रोजिनस बेस से। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस से। अब नाइट्रोजिनस बेस में कौन से हो गए? वो होते हैं एडेनोसिन राइबोस शुगर। ओके, अब एडेनोसिन में एडेनिन और ओसिन में होता है, उसका मतलब होता है राइबोस शुगर। ओके, एडेनिन और राइबोस शुगर मिलके बनाते हैं एडेनोसिन। ठीक है, एडेनोसिन, और चूंकि ट्राइफॉस्फेट है तो ट्राई मीन्स थ्री और फॉस्फेट मीन्स PO4 फॉस्फेट। ठीक है, जब थ्री मॉलिक्यूल फॉस्फेट के एक साथ होंगे तो वो हो जाएंगे ट्राइफॉस्फेट कहलाएंगे। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, अब क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल होगा तो क्या कहलाएगा? AMP मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब दो मॉलिक्यूल हो जाएंगे फॉस्फेट के तो वो कहलाएंगे ADP, मतलब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट के दो मॉलिक्यूल होंगे तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। व्हेन फॉस्फेट अटैच्ड विथ थ्री कंपाउंड, ओके, तीन कंपाउंड जब अटैच्ड होंगे एडेनोसिन के साथ, फॉस्फेट का तीन ग्रुप अटैच्ड होगा तो वो कहलाएंगे ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया एटीपी। एटीपी क्या हुआ? तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का शॉर्ट फॉर्म होता है और ये होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी मेटाबोलिस पाथवे में। ठीक है, मेटाबोलिक कोई भी पाथवे होगा उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये एटीपी। अब इसके कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, यूजेस इसके कहाँ कहाँ हैं? तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में यूज़ होता है इसका, नर्व इम्पल्स प्रोपेगेशन में होता है, केमिकल सिंथेसिस में होता है,
पॉलीमर सिंथेसिस में होता है, और आरएनए और डीएनए के रेप्लिकेशन में, ट्रांसक्रिप्शन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट चेन में भी इसका यूज होता है। ठीक है, तो एटीपी के यूजेस हमने देख लिए, एटीपी क्या होता है वो देख लिया। अब हम देखते हैं कि एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ये है एटीपी का केमिकल स्ट्रक्चर। ये पोर्शन जो है वो क्या है, एडिनिन, ठीक है, और ये पोर्शन क्या है, राइबोज शुगर, ओके, और ये क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, फर्स्ट फॉस्फेट ग्रुप है ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ठीक है, अब जब एडिनोसिन और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे, एडिनोसिन, ओके, और जब एडिनोसिन फर्स्ट के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनेगा, एएमपी, जो मैंने अभी आपको समझाया, और जब सेकेंड के साथ कंबाइन करेगा तो ये क्या बनाएगा, एडीपी, ओके, जब थर्ड के साथ करेगा तो क्या बनेगा, एटीपी। ठीक है, अब क्या है कि ये पहला जो फर्स्ट ग्रुप होता है जब एडिनोसिन के साथ अटैच होता है तो वो किस लाइन को रिप्रेजेंट करता है, एक प्लेन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कौन से लाइन को, प्लेन लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो और इसमें क्या होगा, बहुत ही लो अमाउंट में एनर्जी होती है। ठीक है, ये लो अमाउंट में एनर्जी को कंटेन करता है, लेकिन जब ये अदर दो और टर्मिनल ग्रुप के साथ अटैच होता है एडिनोसिन, तो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये किस कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, कौन से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक कर्व लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से, कर्व लाइन को, और ये कर्व लाइन जो है वो हाई एनर्जी कंटेन करती है। ठीक है, हाई लेवल की एनर्जी कंटेन करती है, और ये जो कर्व लाइन, ओके, अब ये हाई अमाउंट में एनर्जी कंटेन करती हैं, कितने, कैसे, हाई अमाउंट, ओके, होता क्या है कि ये बहुत ही इजीली क्या करते हैं, ये जो लास्ट टर्मिनल पोर्शन के जो फॉस्फेट अटैच होते हैं वो बहुत ही इजीली ये अपने फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देते हैं। जैसे अगर ट्राईफॉस्फेट है तो एक ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट बन जाएगा। ठीक है, और जब ये ब्रेकडाउन होते हैं टर्मिनल का, जब थर्ड फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेकडाउन होता है तो कितने अमाउंट, ये मोर अबाउट 12,000 कैलोरीज। ठीक है, 12,000 कैलोरी एनर्जी जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, रिलीज करता है वन टाइम में, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है वो, एडीपी से एटीपी में। ठीक है, ये देखिए, ये क्या करता है, एटीपी एनर्जी को रिलीज करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में। ठीक है, फिर क्या करता है, एडीपी जो है वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके फिर किस में कन्वर्ट हो सकता है, एटीपी में। ठीक, तो जब ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा, एनर्जी ट्रैप करेगा और एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एटीपी क्या है, एनर्जी को रिलीज करेगा और एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है तो
क्या क्या उससे रिलीज होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है और एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। एक तो एडीपी को करेगा, फिर एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करेगा और एनर्जी को रिलीज करेगा। अब इसका हम सिंथेसिस पढ़ लेते हैं कि कैसे सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि एटीपी का सिंथेसिस बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में होते हैं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, और भी सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस पाथवे होते हैं, उसमें एटीपी का सिंथेसिस होता है। अब जैसे ग्लाइकोलाइसिस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या था, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा था। पहले फर्स्ट फेज, फर्स्ट पाथवे में क्या हो रहा था, एटीपी, एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस होता हो रहा था। नेक्स्ट सेकेंड पे ऑफ फेज में जो है वो एडीपी से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था, ठीक है। तो हमने ग्लाइकोलाइसिस में भी एटीपी का सिंथेसिस देखा, क्रेब साइकिल में भी होता है। अब क्रेब साइकिल में एटीपी का ह्यूज अमाउंट में सिंथेसिस होता है, ठीक है, और किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन के क्रिस्टी, उस पे होती है एटीपी का सिंथेसिस। सपोज दैट ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, और इस टाइप से कुछ एटीपी की स्ट्रक्चर्स होते हैं। और यहाँ पे क्या है, एक एटीपी सिंथेटेस नाम का प्रोटीन होता है, ठीक है, प्रेजेंट होता है, जो कि F1 और इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो क्या करता है, इसका जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, वो क्या करता है कि डिफरेंस की वजह से वो एंटर करके, इनर मेम्ब्रेन को एंटर करके, और कहाँ पहुँच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच होके वो क्या बन जाते हैं, एडीपी पहले से है ही यहाँ पे प्रेजेंट, और वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ अटैच होके एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये एटीपी फिर क्या कर सकता है, दोनों ये फिर जहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे ये क्या होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, इस एटीपी का टर्मिनल पार्ट का ब्रेकडाउन होगा, और ये क्या करेगा, एक अपना फॉस्फेट रिलीज कर देगा, ठीक है, एक फॉस्फेट रिलीज कर देगा, और है ना, वन फॉस्फेट रिलीज कर दिया, और रिलीज करके वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एडीपी ये है, ठीक है। तो ये एटीपी, एडीपी यहाँ फिर से एज इट इज प्रेजेंट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जब भी एटीपी की फॉर्मेशन होगी फिर इस फिर से ये क्या करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को लेके और फिर से एटीपी का सिंथेसिस करेगा, ठीक है, ये प्रोसेस फिर चलती रहती है। अब यहाँ पे बात ये है कि एटीपी रिलीज करने के बाद यहाँ पे जब लगभग कितने 12,000 कैलोरी एक बार में एटीपी ये रिलीज करती है एनर्जी, ठीक है, 12,000 कैलोरी एनर्जी लगभग एक बार में रिलीज करती है, ठीक है। ये प्रोसेस कब होती है, क्रेब साइकिल में होती है। ये टोटल प्रोसेस कहाँ पे होती है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उसके इनर मेम्ब्रेन पे होती है, और ये जो ह्यूज अमाउंट में एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो किस में होता है, क्रेब साइकिल में होता है, ठीक है। क्रेब साइकिल जब कंप्लीट होती है तब उसमें
ह्यूज अमाउंट ऑफ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लगभग कितने एटीपी का प्रोड्यूस होता है क्रेब्स साइकिल में? लगभग 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। अब ये टोटल क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंजर कितने अमाउंट में एटीपी प्रोड्यूस होता है? 36। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लैंजर 36 एटीपी प्रोड्यूस होता है क्रेब्स साइकिल में। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में टू क्या हो जाते हैं? दो खर्च हो जाते हैं। ठीक है ना, यूज हो जाते हैं। जब प्रिपरेटरी फेज होता है उसमें टू एटीपी यूज हो जाते हैं, क्योंकि एटीपी से एडीपी बन रहा होता है, वहाँ पे यूज हो रहे होते हैं। आफ्टर पे ऑफ फेज में जब जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एडीपी से एटीपी बनता है। तो अकॉर्डिंग टू लैंजर 36 एटीपी का फॉर्मेशन होता है क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है, अब ये जो एटीपी है वो एक हम जान रहे हैं कि एनर्जी सोर्स है। ठीक है ना, एनर्जी यूज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने देखा कि एटीपी क्या होता है और एटीपी का सिंथेसिस क्या कैसे होता है, एटीपी का यूजेज क्या है, एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है और कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब इसमें किसी को भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और उसका आंसर मैं ज़रूर करूँगी। और अगर वीडियो किसी को सबको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।